एक से कभी किसी के एक जैसे गुजरते नहीं है भैया। सुदामा जाते भिक्षा करने के लिए, लेकिन कोई भी इस समय पर तो मेरे भगवत प्रेमियों कोई भी भिक्षा भी डालने को तैयार नहीं। पर मैंने तो अपने दिमाग से एक बात सोची, मैंने एक दिमाग से बात सोची मैया कि जो अगर ये वक्त हम और आप पे आ जाए, अगर ऐसा समय कभी हम तुम पे आ जाए तो जिन समझो समझ लो ये हमारा तुम्हारा परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा का समय। आज सुदामा के बच्चे मैया से पूछ रहे, बोले मैया ए, बोले आज हमें भोजन नहीं दोगी? लाला तेरे पिताजी आ जाए तभी हम तुम्हारे लिए भोजन बना देंगे। बच्चों को बेला देती है, बोले खेल खेल के आओगे तुम और तब तक मैं भोजन बना के तैयार करके रख लूंगी। लेकिन एक बात बताऊं, जब भूख में कोई खेल भी अच्छा नहीं लगता। सुदामा लौट के आए, भावनी ने पूछा पिया कछु मिल गए हो? सो इस सुदामा की आंखों से आंसू निकल पड़े। भावनी मैं तो बहुत बड़ो अभाग हूं, एक मेरे पीछे मेरे बच्चों को भी भोजन जीवन को नहीं मिल रहा, एक मेरे पीछे तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, मेरे कितना भागा संसार में अब कोई मिल नहीं सकता। बोले मैं बच्चों से कैसे कहूंगा, मैं बच्चों को समझा के गया सुबह, बोले मैं लौट के आऊंगा भोजन बनवा दूंगा जी भर के भोजन कर लेना, लेकिन घर पे कुछ भी नहीं मिला, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। भावनी सोई, भावनी जब देवकर के दशा को बोली अब कुछ नहीं मिला सोई रो पड़ी, इतनी रोई हाय भगवान ऐसी मुसीबत कभी किसी को मत देना, इतना रोई भावनी। सोई सुदामा ने भावनी को छाती से लगा लियो, भावनी तुम क्यों रो रही हो, तेरा कोई दोष नहीं भावनी, तेरा कोई दोष नहीं है, ये तो दोष इस अभागे को है। केवल इस अभागे को बहुत बड़ा दोष है, लेकिन सज्जनों भावनी बोली पिया तुम्हें अगर काऊ ने भीख ना डाली तो मैं जा रही हूं, अगर मेरे बच्चन को नहीं को ख्याल आ जाएगा
तो मैं काऊ न काऊ से मांग के लेकर के आऊंगी। उधार दई जब नाई सब ने कर दी सुदामा को अपनी भावनी की इतनी आंखों में आंसू देख करके इतनी हृदय में दया प्रकट हो गई। सुदामा बोले, भावनी ये भूल तुमसे नहीं बनी। क्यों? ये भूल मुझसे बनी। क्यों? तुमसे क्या बन गई? तो बोले, सुनो, उज्जैन में गुरु सांदीपन के आश्रम पे मेरा एक मित्र था जिसका नाम था कन्हैया। क्या मतलब? हाँ, वो हम पढ़ने के लिए जाया करते थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वहां पे मैंने बहुत बड़ी भूल की। तो सुदामा अपनी भूल को याद करके बोले, सुनो भावनी, हम गुरुकुल में पढ़ी रहे,
लकड़ी में रुपया चना गए सच्चा ग्रहण करते थे। चना जो थे मैया ने दिए, लेकिन वो मैंने अकेले अकेले छाप लिए, इसलिए मैं आज अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूं। लेकिन भावनी कोई न काबू सुख दुख दाता निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए आज मैं अपने कर्मों के अनुसार जब सुदामापुरी को भिखारी बन करके बैठा हूं और मेरा मित्र एक द्वारिकापुरी को राजा बन करके बैठा हुआ है। सोई भावनी बोली, पिया अरे भगवान, तुमने मुझे पहले से नहीं बताई, तुम तो कुबेर भंडारी के मित्र होकर के भी एक दर्दर की ठोकरें खा रहे हो। अरे मुझे पहले से बताए देते तो जे बच्चा मेरे काय को जाओ रे बाबू रे भगते, तुम तो कुबेर भंडारी और जब कुबेर भंडारी के जो काउ चीज की कमी न होए और तो तुमने हमें इतनो तरसाए दे हो। चले जाओ पिया, कछ ले के मत आइयो, सिर्फ उनसे एक गलती की क्षमा याचना मांगे आइयो, ताऊ से मेरे बच्चन को दो वक्त की रोटी मिलवो शुरू हो जाए। एकदम सुदामा बोले, भावनी अम्मी ने तो बताया दी तो जाको मतलब तुम अब तुम लाचार करने लगी। देख भावनी, वो बड़े घरन को राजा है, अगर मेरी ना पहचान कर दी भावनी तो मेरो तो मरबो है जावे बोरी, नहीं जाऊंगो। सुदामा से भावनी बोली, अरे चले जइयो द्वारिका मेरे सैया, चले जइयो, अरे श्री कृष्ण द्वारिका बाले बालापन के बे मित्र हैं तुम्हारे, अब जोरू हाथ और पड़ू पैया, चले जइयो चले जइयो द्वारिका मेरे सैया, चले जइयो चले ले। भावनी से सुदामा बोले, भावनी देख तू मुझे लाचार कर रही है तो सुन ले, गुरु और मित्र के जहां जहां जाया जाए तो भेंट के लग कछु न कछु जरूर होना चाहिए। और तो पे का है तेरे घर पे का है? बोले हाँ, जावा तक तुम चिंता मत करो, मैं भेंट के लग कछु न कछु तो मांग के जरूरी जरूरी लाऊंगा। एक पड़ोसन के घर पहुंच गई, जवाब दो बहनों, मैं पिया अपने मित्र कन्हैया के पास द्वारिका मिलवे को जा रहे,
तो पे कछु होए तो दीदी दे दे तेरे दोनों करके दे दे। एकदम झिझला के बोली चली जा यहां से। द्वारिका बाई आई, वो द्वारिकाधीश वो राजा इतना बड़ो तेई बात सुन लेगा मा जाई बहाने से मांग में चली आई। कल ले गई नमक, दे गई मिर्ची, ले गई दे गई आटो, ले गई दे गई, चली जा यहां से। ऐसी फटका लगाई सही मैया की आंखों से आंसू निकल गए। जवाब दो दीदी, तू मैं देती या न देती, पर मुझसे ऐसे शब्द ना है कहती है जो आज मेरे हृदय में नहीं समा रहे हैं। और का बोली दीदी, मैंने जी बात तो पहले ही कह दी, जाकी फट गई।